जो पार्षद मानदेय न मिलने से नगर निगम को आड़े हाथों ले रहे थे, वही अब मानदेय मिल जाने के बाद पार्षद निधि से मुंह मोड़े दिखाई दे रहे हैं। नगर निगम द्वारा प्रत्येक पार्षद को 40 लाख रुपए क्षेत्र के विकास कार्य के लिए दिए जा रहे हैं, जिसमें 10 लाख की राशि वर्तमान में, वही 30 लाख रुपए नगर निगम के पार्षद बैठक में दिए जाएंगे। वर्तमान में स्थिति यह है कि अभी केवल 8 से 10 पार्षदों ने ही पार्षद निधि का प्रस्ताव वित्त विभाग को सौंपा है, लेकिन अन्य पार्षदों द्वारा अभी तक पार्षद निधि के लिए कोई प्रस्ताव नहीं भेजा। नगर निगम में अपर आयुक्त वित्त विभाग का कहना है कि कई पार्षद बैठक का इंतजार कर रहे हैं, बैठक शुरू होते ही इनके द्वारा प्रस्ताव दिया जाएगा। बावजूद इसके निगम के कांग्रेस के सत्तासीन होने के बावजूद भी विगत 3 माह इन पार्षदों द्वारा निगम से पार्षद निधि का प्रस्ताव नहीं दिया गया था। माना जा रहा है बैठक के शुरू होते ही पार्षद निधि का प्रस्ताव भेजा जाएगा। पार्षद मत जो है उसके लिए देखा जा रहा है कि बहुत से पार्षदों का उत्साह कम दिख रहा है। पार्षद मत की राशि अभी 10 लाख निर्धारित है और जो शेष 30 लाख रुपए हैं वो सदन की बैठक के उपरांत वो 30 लाख रुपए पारित की जाएगी। लगभग कितने पार्षदों ने दिया है आवेदन? अभी 8 से 10 पार्षद के द्वारा पत्र दिए गए हैं और उस पर कार्रवाई भी की गई है, फाइल बन चुकी है, आयुक्त महोदय की स्वीकृति मिल भी गई है, टेंडर किया जा रहा है। अगर पार्टी की बात करें तो किन पार्टियों के ज़्यादा पार्षद हैं जो इस मत के लिए निष्क्रिय हैं? नहीं, अब हमने ऐसा पार्टी वाइज नहीं देखा है, लेकिन 8 से 10 पार्षदों के द्वारा दिया गया है और शेष पार्षदों के द्वारा भी दिया जा रहा है और फाइल उनकी भी तैयार की जा रही है। कुछ पार्षद सदन की बैठक का इंतजार कर रहे हैं, तो शेष पूरा जब 40 लाख रुपये पारित हो जाएगा तो उनका कहना है कि हम उसके पश्चात इकट्ठा भेजेंगे। एक मुश्त राशि दी जाएगी उनको विकास कार्यों के? नहीं, अब उनकी स्वेच्छा, उनका आवश्यकता के अनुसार है वो क्या काम कराना चाहते हैं। यदि एक मुश्त का कोई काम होगा तो एक मुश्त राशि स्वीकृत की जाएगी, यदि टुकड़ों में कुछ होगा, 1-1 लाख रख के अलग अलग कुछ काम निर्धारित होंगे तो उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। जबलपुर से आशीष बाथरे की रिपोर्ट।